पहले दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार का एक और इंटरव्यू आया हुआ है जिसमें कि उन्होंने क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। वो दुकानें देखते हुए जाना और बोलना कि एक दिन ये लेनी है, पर जूते कहाँ से खरीदने जाके चोर बाजार पर। अपनी सेटिंग अपने को पता है कि कहाँ से क्या मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम तो इनफैक्ट उनको बोलते थे बेवकूफ, तू क्या 6000 का लेके आया 300 रुपए। मतलब हम उसको प्राइड, यू नो इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। तो मेरी वो डीयू की कहानी है। वो करने के बाद मैंने सबसे पहली बार डीयू परफॉर्म किया हंसराज कॉलेज में, और वहां परफॉर्म जब किया तब रफ्तार वॉज सो न्यू कि मेरा गाना सिर्फ कोलैबोरेशन में आया था, सोलो गाना भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं ऐसा किया था। एज अ परफॉर्मर मैं गया और मैंने बस अपनी तरफ से परफॉर्म किया। मुझे याद है कि जब मैं स्टेज पर चढ़ रहा था, बाउंसर आगे निकल गए थे, लोग बीच में आ गए थे, मैं लोगों के बीच में से उनको हटा के जा रहा था कि यार मेरे को स्टेज पे जाना है, ट्रू स्टोरी। पर जब मैं उतर रहा था ना, जब मैं उतर रहा था तो सबसे ज्यादा बाउंसर मेरे आसपास लगे हुए थे कि उनको ऐसा हो गया था कि ये कौन है। मोमेंट ऑफ विक्ट्री फॉर मी कि मैं भाइयों ने अपना लिया, मतलब अपना काम सेट। अगर आप ये फुल इंटरव्यू देखना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है फरहान खान की तरफ से। तो फरहान खान ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हुई थी, आप खुद देख सकते हो। भाई मैं कल पुणे में गिग करके आया हूँ, पुणे में जो वेन्यू वाले थे ना उनको मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रो तुम लोग की औकात नहीं है, ब्रो तुम लोग की औकात नहीं है कि तुम एक कल्चर को सपोर्ट कर सको, एक इंसान को और एक आर्टिस्ट को इज्जत दे सको। समझो तुम 10,000 रुपए दे के एक आर्टिस्ट को मुंबई से बुला रहे हो, ब्रो 4 आर्टिस्ट आ रहे हैं अपना ट्रेवलिंग का डाल के, 5,000 रुपए दो ब्रो, मैं अपनी जेब से डाल के आया हूँ। मतलब समझ रहे हो कि तुम, पैसे वैसे तो साइड की बात थी ब्रो, मैं अपने एल्बम के लिए आया हूँ। मैं उन सबके लिए आया था जो कि ब्रो मेरे से प्यार करते हैं, जो मेरी एल्बम सुनने आए थे, मुझसे मिलने आए थे। तुम उनके कपड़ों पे और वो कैसे दिखते हैं उसके बेसिस पे तुम जज कर रहे हो कि कौन अंदर आएगा या कौन नहीं आएगा ब्रो, मतलब क्या बोलूं ब्रो। उसके बाद में आर्टिस्ट लोग बैठे हैं, कोई किसी को पूछ रहा नहीं है कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या माइक लगेगा, किसको क्या पानी चाहिए, क्या चाहिए वगैरह, कुछ भी नहीं ब्रो। जब नहीं होता है तो क्यों कैश इन के नाम पे भाई, सिर्फ पैसे कमाने के नाम पे तुम एक कल्चर को एक लेके आ रहे हो कि भाई हम हिप हॉप गिग वगैरह करवा रहे हैं। फक दैट शिट ब्रो, चुप रहो, ठीक है, चुप रहो ब्रो। और भी उन्होंने काफी सारी स्टोरी डाली हुई थी, और एक स्टोरी ये डाली हुई थी, आप पॉज करके इसको जरूर पढ़ लेना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है हरजस की तरफ से। तो हरजस ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था एक्स 6th January 2022। तो यहाँ पर एक्स एल्बम उनकी 6 जनवरी को देखने के लिए मिलने वाली है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है डीनो जेम्स की तरफ से। तो डीनो जेम्स का जो सॉन्ग आने वाला है बिन बुलाए, उसका टीजर रिलीज हो चुका है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो मुझे इंस्टाग्राम पर एक भाई ने एमसी स्टैन के पुराने इंटरव्यू की एक क्लिप भेजी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि उनके नाम का मीनिंग क्या है, तो वो क्लिप भी आप देख सकते हो। एमसी स्टैन ये नाम कहाँ से आया भाई? ये स्लिम शेडी के फैंस को बोलते हैं एमसी स्टैन। और एक मम्मा बहुत डीप है ना क्या, जो मतलब किसने मतलब ने क्या इन्वेंट नहीं कर ला है, बट शैतान और इसके बीच में नहीं क्या जंग होती ना, तो उसको स्टैन बोलते, एक चीज़ है वॉर को स्टैन बोलते। तो मम्मा मेरे दोनों के बीच में अटक गए है कि शैतान बनू कहने का अच्छा इंसान, वो ट्रिप मेरी चालू है दिमाग में अभी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।